हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू बोंडा, जो खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार के हम आलू बोंडा बनाएंगे बिल्कुल मार्केट की तरह, और इसको कई जगह पे आलू बोंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, हरी धनिया, हरी मिर्च और 1 प्याज ली है। तो हम सबको बारीक काट लेंगे। हमें आलू को भी बिल्कुल बारीक काट लेना है। और अब हमने 1.5 कटोरी के करीब हमने बेसन लिया है, और 1 चम्मच धना मसाला, आधे चम्मच जीरा, आधे चम्मच सौंफ, आधे चम्मच अमचूर पाउडर, आधे चम्मच गरम मसाला, 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च और आधे चम्मच हल्दी, और 1.25 चम्मच के करीब हमने नमक लिया है। तो इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, और अब हम इसमें आधे चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। उसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। आप मसाले, नमक, मिर्च आपके स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। यदि हम एक साथ पानी डाल देंगे तो हमारा घोल गीला हो जाएगा और हमारे आलू गोंडे की परत अच्छी नहीं बनेगी। यदि आपका ज़्यादा बेसन गीला हो गया हो तो आप बेसन उसमें मिला भी सकते हो। यदि आपको लग रहा है कि हमारा घोल पतला हो चुका है तो इसमें हम थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम फेंट लेंगे, इससे हमारे जो आलू गोंडे की परत है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके ही हमने डाला है, एक साथ पानी नहीं डाला है। यदि आपको नमक मिर्च कम लग रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च भी डाल सकते हो। तो देखिए, हमें इस प्रकार का घोल तैयार करना है, और इसको हम 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। जब तक हम मसाला तैयार करेंगे तो हम फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तो इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। और आधे चम्मच जीरा, आधे चम्मच सौंफ। देखिए, हमारे सौंफ और जीरा अच्छे से भुन चुके हैं। तो इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, और अच्छे से भुनेंगे हम इनको। तो देखिए, हमारे प्याज, हरी मिर्च अच्छे से भुन चुके हैं। तो इसमें हम मसाले डालेंगे। तो मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, और आधे चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच धना मसाला, और आधे चम्मच अमचूर पाउडर, और अच्छे से मिलाएंगे। और हम आलू डाल देंगे। आलू को हमको अच्छे से मिक्स करना है, आलू के बड़े टुकड़े नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जब हम आलू बोंडा बनाएंगे तो हमारे आलू बोंडे अच्छे से नहीं बनेंगे। इसलिए अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले को और आलू को। तो अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। तो आधे चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, और 1 चम्मच नमक डालेंगे। आप नमक आपके स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। और धनिया पत्ती डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें बड़े टुकड़े नहीं रहने देना है आलू के। तो देखिए, अब हमारा आलू गोंडे का मसाला तैयार हो चुका है। तो हम छोटी छोटी गोले बना लेंगे, इसकी गोली जैसी बना लेना है। आप आपके अनुसार बड़े या छोटे आलू गोंडे बना सकते हो।
तो इस तरीके से हम गोल गोल बना लेंगे। आलू गोंडा खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए हमने सभी गोले को बनाकर रख लिया है। इस तरीके से आपको गोली बना कर रख लेना है। और इधर हमारा बेसन भी अच्छे से फूल चुका है। तो देखिए हमें गाढ़ा ही बेसन का घोल रहने देना है। यदि हमारा घोल पतला हो गया है तो उसमें हम थोड़ा सा बेसन मिला सकते हैं। और इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो दो चुटकी ही बेकिंग पाउडर डालना है, ज़्यादा पाउडर अब आपको नहीं डालना है। तो हमने दो चुटकी ही बेकिंग पाउडर इसमें डाला है। और थोड़ा सा हम आधे चम्मच इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए अब हमारा बेसन अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इस तरीके से एक एक गोली को डालते जाएंगे इसमें और अच्छे से लपेटेंगे। चारों तरफ अच्छे से लपेट लेना है जो हमने मसाला तैयार किया है आलू का। और अब हम तेल गरम करने के लिए रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारी जो कढ़ाई है वो अच्छे से आई है नहीं। देखिए हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। तो हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और एक एक इस तरीके से हम डालते जाएंगे। हमें बेसन को चारों तरफ अच्छे से लपेटना है जो हमने मसाला तैयार किया है, जो हमने गोली बना कर रखी है उसमें हमें चारों तरफ अच्छे से लपेटना है बेसन को। तो इस तरीके से हम चारों तरफ अच्छे से लपेट कर डालते जाएंगे। तो इनको हम पलट कर भी सेकेंगे। तो थोड़ा सा हम इनको हिला देंगे। देखिए हमारे कितने अच्छे आलू गोंडा फूल चुके हैं। तो इनको हम पलट कर भी सेक लेंगे। तो देखिए अब हमारे बहुत अच्छे आलू गोंडे बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने फूल चुके हैं हमारे आलू गोंडे, बिल्कुल मार्केट की तरह। तो हम इसी तरीके से सारे आलू गोंडे को तल लेंगे। बहुत ही अच्छे आलू गोंडा बनकर हमारे तैयार हुए हैं। तो देखिए मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट की तरह। और यदि आपको मेरे आलू बोंडे की रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप भी बनाइए इस प्रकार के आलू बोंडे।